यरूशलम एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास बरसों पुराना है। ये शहर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। जिस जगह पर इतने सारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हों, वहां टकराव की स्थिति पैदा होना आम बात है। इसराइल के अनुसार यरूशलम इसराइल की राजधानी है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश ऐसा नहीं मानते। इसीलिए इसराइल में सिर्फ देशों के काउंसलेट हैं और उनके दूतावास तेल अवीव में हैं। इसराइल को लेकर यहूदियों और मुस्लिमों में टकराव की स्थिति आज भी वैसे ही बनी हुई है। एक तरफ इसराइल यरूशलम पर अपना दावा करता है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो यरूशलम पर कभी ईसाइयों, कभी मुस्लिमों तो कभी यहूदियों का अधिकार रहा है। इस शहर को पाने के लिए ना जाने कितनी जंगें लड़ी गई और ना जाने कितने ही बादशाहों ने इस पर राज किया है। आज भी यरूशलम को लेकर जो टकराव की स्थिति है उसका कारण है इसका इतिहास। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो इस शहर के साथ बहुत सी धार्मिक कहानियां जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से ये शहर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं का केंद्र बन गया है। 3000 साल पहले की कहानी। इतिहासकारों की माने तो इस शहर में सबसे पहले इंसान 3500 BC के आसपास आकर बस गए थे। लगभग 3000 साल पहले किंग डेविड ने यरूशलम को जीत लिया था और इसे अपने यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसने प्राचीन इसराइल में रह रही सभी ट्राइब्स को इकट्ठा किया था। उसके बाद उसके बेटे सोलोमन ने अपने पिता के बनाए साम्राज्य का विस्तार किया। सोलोमन ने ही इस शहर में सबसे पहले पवित्र मंदिर का निर्माण किया था। इस पीरियड को फर्स्ट टेंपल पीरियड कहा जाता है। अगले 400 सालों तक यरूशलम उसके बनाए राज्य की राजधानी रहा। इसके बाद 586 BC में बेबलोनियन किंग नेबूकदनेज़र ने इस पर कब्जा कर लिया। उसने इस शहर को तहस नहस कर डाला और मंदिर को भी तोड़ दिया गया। यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया। लगभग 50 सालों के बाद फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को इसमें प्रवेश की आज्ञा दे दी। साइरस ने ही पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण भी करवाया था। इस पीरियड को सेकंड टेंपल पीरियड कहा जाता है। 332 BC में लगभग पूरी दुनिया पर राज करने वाले सिकंदर महान ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य वार्स ऑफ डाइडोची में उसके जनरल्स के बीच में बंट गया था। आगे के वर्षों में इस शहर पर कईयों ने राज किया, जिनमें रोमन, पर्शियंस, अरब, तुर्क, क्रूसेडर्स, इजिप्टियंस और इस्लामिस्ट प्रमुख थे। 63 BCE में यरूशलम को रोमन जनरल पोम्पई द ग्रेट ने अपने कब्जे में लिया। रोम की तरफ से एक लोकल ट्राइब के चीफ हेरोड को उस एरिया का किंग बना दिया गया। 37 BC में किंग हेरोड ने इस शहर में बहुत से निर्माण करवाए। किंग हेरोड ने मंदिर की भी मरम्मत करवाई और दीवारों का निर्माण करवाया। उसकी बनाई दीवारों के कुछ हिस्से आज भी बचे हैं, जो कि यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थल की तरह हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। 70 AD में रोमन्स ने उस दूसरे मंदिर को तहस नहस कर दिया था। आइए अब जानते हैं कि क्यों ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए ये शहर खास है। ईसाइयों के लिए क्यों है खास ये शहर? यरूशलम ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी अहम स्थान है। 335 AD में यरूशलम के टेंपल माउंट में एक चर्च बनाई गई, जिसे चर्च ऑफ द होली स्पेल्चर कहा जाता है। क्रिश्चियन धर्म ग्रंथों के अनुसार 30 AD में यीशु को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और इसी जगह पर उन्होंने दोबारा जन्म भी लिया था। यह भी माना जाता है कि इस जगह का जिक्र जीसस ने बाइबल में भी अपने पुराने वसीयत नामे में किया था। साथ ही नए वसीयत नामे में उन्होंने इस जगह पर जाने की बात भी कही थी। बहुत से यूरोपियन क्रिश्चियंस ने 1 AD से यरूशलम को एक तीर्थ स्थान मान लिया था और इसकी यात्रा शुरू कर दी थी। 1099 से 1187 के बीच क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने यरूशलम को अपने कब्जे में ले लिया और शहर को अपना प्रमुख धार्मिक स्थल बना दिया। इसके बाद मुस्लिम किंग सलादीन ने इस शहर को क्रिश्चियंस के कब्जे से छुड़ा लिया। मुसलमानों के लिए क्यों है अहम? इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए टेंपल माउंट उनकी तीसरी सबसे पवित्र जगह है।
सबसे पहले पवित्र स्थानों में सऊदी अरब में मौजूद मक्का और मदीना आते हैं। मुसलमानों का ये विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलम के बीच की यात्रा एक रात में ही पूरी की थी। उनका यह भी मानना है कि यरूशलम से ही 632 एडी में उनके प्रॉफेट मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। इसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक को बनाया गया है, जिसे यहूदी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यह इस्लाम की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। डोम का निर्माण खलीफा अब्द अल मलिक ने करवाया था। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने यरूशलम पर कब्जा किया तो उन्होंने इस जगह पर एक चर्च बना दी थी। 1187 में मुसलमानों ने इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया और इसका पुनर्निर्माण करवाया। डोम ऑफ द रॉक के पास ही चांदी के गुंबद वाली मस्जिद है, जिसे अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। मुसलमानों के लिए डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद दोनों ही पवित्र स्थान हैं। यहूदियों के लिए क्यों है खास ये शहर? यहूदी भी इस जगह को पवित्र स्थान मानते हैं। इसी जगह पर यहूदियों के पहले और दूसरे मंदिर का निर्माण किया गया था। दूसरे मंदिर के चारों ओर की दीवार अभी भी है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इस दीवार को वेलिंग वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यहूदी इस दीवार के पास आकर प्रार्थना करते हैं और रोते हैं। इस जगह के बारे में यहूदी मानते हैं कि इसी जगह पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इशाक की बलि देने की तैयारी की थी। हर साल लाखों की तादाद में यहूदी यहाँ पर प्रार्थना के लिए आते हैं। यहूदी मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। हालांकि आज के समय में पुराने मंदिरों के स्थान पर मुस्लिमों का कंट्रोल है, इसीलिए वेस्टर्न वॉल ही सबसे नज़दीक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां यहूदी पूजा कर सकते हैं। क्या है टेंपल माउंट? आपने देखा कि किस तरह इसराइल में तीन मुख्य धर्मों के लोगों के पवित्र स्थान हैं, और इनमें आपस में इतिहास और वर्तमान में भी विवाद चलता आ रहा है। लेकिन इसराइल की सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ पर यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों तीनों के पूजनीय स्थान एक जगह पर हैं। इस जगह को टेंपल माउंट कहा जाता है। यरूशलम में एक पहाड़ी पर स्थित ये कंपाउंड लगभग 35 एकड़ में फैला है। यहीं पर वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद भी हैं। ऑटोमन और ब्रिटिशर्स ने भी किया राज। एक समय में मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी शक्ति उभरी थी, वो थी ऑटोमन साम्राज्य। 1516 से 1917 के बीच ऑटोमन्स ने यरूशलम पर राज किया था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने यरूशलम पर अपना अधिकार कर लिया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसके कुछ समय बाद 1948 में इसराइल भी एक स्वतंत्र देश बन गया। इसराइल के आज़ाद देश बनने के 20 सालों तक यरूशलम दो हिस्सों में बटा हुआ था। इसके पश्चिमी हिस्से पर इसराइल का अधिकार था, जबकि पूर्वी क्षेत्र पर जॉर्डन का। लेकिन 1967 में हुए युद्ध में पूरे यरूशलम पर इसराइल ने अपना कब्जा कर लिया। इसराइल में रह रहे फिलिस्तीन वासियों को इसराइल का स्थायी निवासी मान लिया गया, लेकिन उन्हें इसराइल की नागरिकता नहीं मिली। सीरिया के साथ बॉर्डर पर विवाद इस तीसरे अरब इसराइली वार का मुख्य कारण था। इस युद्ध को सिक्स डे वॉर भी कहा जाता है। एक तरफ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत और अल्जीरिया जैसे देश थे, तो दूसरी तरफ अकेला इसराइल। फिर भी इसराइल इन सब पर भारी पड़ा। अगर आप सिक्स डे वॉर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वॉर के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन प्राधिकरण के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि मात्र एक दिखावा है। वहीं गाजा इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसराइल फिलिस्तीन विवाद की वजह। इसराइल की आज़ादी के बाद से ही इसराइल और फिलिस्तीन में यरूशलम को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि इसराइल ने पूरे यरूशलम पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक कानून बना दिया जिसके अनुसार ज्यूइश टेंपल माउंट में जाकर पूजा नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर इसराइल की सेना बहुत से ज्यूज को यहाँ आने की अनुमति दे देती है, जिससे फिलिस्तीनियों को हमेशा डर रहता है कि इसराइल कभी भी वहाँ कब्जा कर सकता है। यरूशलम की एक तिहाई आबादी फिलिस्तीनी मूल की है। अगर 1967 से पहले की सीमाओं की बात की जाए तो जिस क्षेत्र पर इसराइल ने कब्जा किया है वहाँ स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण का विचार है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिए गए प्रस्तावों में भी वहाँ स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात कही गई है।
1980 में इसराइल ने यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश इसे नहीं मानते और देशों के राजदूत यरूशलम की बजाय तेल अवीव में बैठते हैं। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वो यरूशलम को इसराइल की राजधानी मान सकते हैं। आज भी यरूशलम के पूर्वी हिस्से को ओल्ड सिटी कहा जाता है, जो कि चारों ओर से दीवारों और दरवाजों से घिरा हुआ है। ओल्ड सिटी के चारों ओर ये दरवाजे और दीवारें ओटोमन साम्राज्य के सुलेमान वन ने बनवाए थे। पुराना शहर यानी ओल्ड सिटी चार क्वार्टर्स में बटा हुआ है, जिन्हें जूश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर और अर्मेनियन क्वार्टर कहा जाता है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ धर्म की वजह से लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं। इसराइल ने अपनी ताकत, एडवांस टेक्नोलॉजी और अमेरिका जैसे देशों की मदद से इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया है। आपको यरूशलम का इतिहास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।